आज 17 साल हो गए हम लोग को काम करते हुए। आज हम लोग की उम्र 45 साल से ऊपर हो चुकी है। किसी की नौकरी 10 साल है, किसी की नौकरी 5 साल है, किसी की नौकरी 1 साल बची हुई है। आज बताइए वो कहाँ जाएंगे। और ये न्यूनतम मानदेय जिसको हम लोग क्या कहें, बोलने में भी शर्म आता है। कि के पाठक सर को भी विज्ञप्ति दिया गया है, उन्हें भी इस बारे में बताया गया है, विशेष शिक्षकों के बारे में उन्होंने भी कहा कि ठीक है आप बात की जाएगी, लेकिन फिर भी एक बार भी यहाँ पे कोई अधिकारी मिलने नहीं आया। के पाठक देखे भी हैं कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल है, जो कि कोई भी शिक्षा नहीं दे सकता है उन लोगों का। जिन लोगों से सब लोग घृणा करते हैं उन बच्चों को हम लोग देखभाल करते हैं, और सैलरी जब पूछा जाता है तो हम लोग को बताने में शर्म आता है। बिहार में जहाँ शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कई तरह के एग्जाम भी हो चुके हैं, लेकिन जो पहले से कार्यरत हैं विशेष शिक्षक, जो विकलांगों को शिक्षा देते हैं और शिक्षकों को भी शिक्षा देते हैं, वो पिछले 22 दिनों से पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। इनकी समस्या क्या है इन्हीं से बात करते हैं। मैडम आप लोग की मांग क्या है? हम लोग की मांग एक ही है कि हम लोग का सामंजन करे सरकार। वैकेंसी आई हुई है विशेष शिक्षक के पद पर 7000 समथिंग, उसमें हम लोग मात्र 1000 कुछ हैं, 1037 हैं, और उसमें हम लोग को पहले सामंजित कर दे उस पद पर, फिर नए लोगों को मौका दे। इनकी मांग है कि जो पहले से हैं शिक्षक उनको सामंजित करने की मांग करें, लेकिन इनको उसी पद पे रखा जाए। और कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। मैडम जिस तरीके से शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आप लोग शिक्षक हैं पहले से, कितने दिनों से कार्यरत हैं? मुझे 13 साल हुआ है, लेकिन बाकी लोग और भी हैं जो 17 साल से काम कर रहे हैं। तो वही लगभग 16-17 सालों से हम लोग इसी बच्चों पे काम कर रहे हैं। हम लोगों को दरकिनार करके जो नए पद सृजित किया गया है, तो ये तो गलत है ना। आप कीजिए, अच्छी बात है कि और लोगों को भी मिलेगा, बाहर दूसरे राज्यों को भी मौका मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये तो सोचिए कि आपके घर के लोग ही असहाय हैं, अभी लाचार हैं, और उनका ही, अपने घर के लोगों को ही आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जो पहले से काम कर रहे हैं अब उनकी तरफ ध्यान ना दे करके दूसरे की तरफ दे रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। ये तो हम लोग का हक मारा जा रहा है, क्योंकि सरकार को आंकड़े हम ला के दिए, जितनी उसी आंकड़े पर सरकार ने वैकेंसी निकाली है, तो सारा काम तो हम करके दिए। दिव्यांग बच्चों पर भी अभी तक जितनी भी सुविधाएं, कौन जानता था 2006 से समावेशी शिक्षा शुरू हुआ है, कौन जानता था कि दिव्यांग बच्चा क्या होता है? किसी को सब अंधा लंगड़ा काना गूंगा यही नाम से जानते थे, लेकिन उसके बाद उन लोग ने धीरे धीरे जाना समझा, फिर वहाँ उनको गांव से लेकर के हम लोग काउंसलिंग करना, उनको स्कूल तक लगाना, तो उनको सुविधा बताना कि सरकार आपको क्या देती है क्या नहीं देती। केवल हमने दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास नहीं किया, हमने तो अभिभावक लोग को भी तो काउंसलिंग की है, उनको भी तो शिक्षित किया है, उन लोगों को भी जागृत किया है कि वो अपने बच्चों के प्रति जागृत हो, अपने बच्चों के अधिकार को समझे। हम लोग ये काम भी किए हैं, उन बच्चों को ले भी हम लोगों ने पेरेंट्स को समझाया है, समाज को बताया, समाज की मुख्य धारा में बच्चों को लेकर के आए हैं। आज हम लोग सब कुछ करके दे दिए, और उसके बाद सरकार हम लोग को दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक रही है, और नए प्रकंद को सृजित कर रही है, और हम लोगों को अवॉइड कर रही है। लापरवाह है सरकार है, जो हम लोग की तो ध्यान नहीं दे रही है। और हर ऐसा नहीं है कि हम लोग आज ये मांग कर रहे हैं, नहीं, हम अपने ये मांग को पहले भी मांग चुके हैं कि नहीं हमको हमारा अधिकार चाहिए। आश्वासन मिला है तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको देना नहीं था तो आप आश्वासन क्यों दिए? आप आश्वासन नहीं देते या तो उसी समय हटा देते। आज 17 साल हो गए हम लोग को काम करते हुए, आज हम लोग की उम्र 45 साल से ऊपर हो चुकी है। किसी की नौकरी 10 साल है, किसी की नौकरी 5 साल है, किसी की नौकरी 1 साल बची हुई है। आज बताइए वो कहाँ जाएंगे? और ये न्यूनतम मानदेय जिसको हम लोग क्या कहें, बोलने में भी शर्म आता है कि इतना पैसा मिलता है, इतना बहुत कम वेतन पे हम लोग काम करते हैं, और इस काम को हम लोग दिल से करते हैं, मन से करते हैं, दिल भावनाओं से जुड़कर करते हैं, जबकि जानते हैं कि हमारा पेट अभी खाली है, पूरा भरा भी नहीं है, लेकिन हम सामने वाले की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी सरकार अगर ये नहीं ध्यान दे रही है, तो मैं तो ये कहूँगी कि वो पक्षपात करती है।
सरकार खुद सामान्य और दिव्यांग बच्चों को अलग कर रही है। वो समावेशी तो बोल रही है कि समावेशी दोनों इंक्लूड होके पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम पर एक मजाक है दिव्यांग बच्चों के साथ। देखिए, सरकार एजुकेशन के नाम पे मजाक कर रही है। मैडम, आप लोग 22 दिनों से यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला है? अभी तक कोई नहीं सुनने आया है। हालांकि हम लोग अपने स्तर से जगह जगह पे लोगों को गए हैं बताने के लिए, अपना विज्ञप्ति भी दिया गया है। यहाँ तक कि के पाठक सर को भी विज्ञप्ति दिया गया है, उन्हें भी इस बारे में बताया गया है, विशेष शिक्षकों के बारे में। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, आप बात की जाएगी, लेकिन फिर भी एक बार भी यहाँ पे कोई अधिकारी मिलने नहीं आए हैं। तब क्या करिएगा आप लोग, अधिकारी नहीं मिलने आए? अगला कदम हम लोग का यही है, इसी बैनर के तरह बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल। जब तक हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हम लोग इसी तरह बैठे रहेंगे और अपना प्रयास करते रहेंगे अधिकारियों से, पदाधिकारियों से मिलने का, ताकि हम लोग की बातों को सुने और हम लोग का सामंजन, विशेष शिक्षक का जो पद के लिए पद सृजित किया गया है, उस पर हम लोग का सामंजन करें। इन लोगों का ये है कहना कि हम लोग जब तक सरकारें मांग नहीं मानती है, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए रहेंगे। जो समावेशी हैं उनको समावेशी करना पड़ेगा, क्योंकि पद ज़्यादा हैं, लेकिन ये जो समावेशी शिक्षक हैं, विशेष शिक्षक हैं, इनकी संख्या कम है, तो आखिर क्यों नहीं करती है? मैडम, जिस तरीके से आप लोग लगभग 22 दिनों से हैं धरना पे, सरकार नहीं सुन रही है, अब आखिर क्या करिएगा? क्या करेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे और क्या, जब तक नहीं सुनेंगे जब तक बैठे रहेंगे। आप लोग शिक्षा मंत्री के पास गए या प्रधान सचिव के पास गए? कोई नहीं गया। ऐसा है कि नहीं गए, हम लोग हर जगह गए हैं, हर जगह बोले हैं, लेकिन कोई वहां से न्यूज नहीं आया है। आप लोग शिक्षक हैं, शिक्षा के अलावा कौन कौन से काम सरकार ले रही है? बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब हम लोग से काम तो बहुत सारा लिया जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे निरीक्षण करना था, इतना दिन से सब टीचर लोग को निरीक्षण करने के लिए भेजा जाता था, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, के पाठक देखे भी हैं कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल है, जो कि कोई भी शिक्षा नहीं दे सकता है उन लोगों का। जिन लोगों से सब लोग घृणा करते हैं, उन बच्चों को हम लोग देखभाल करते हैं। और सैलरी जब पूछा जाता है तो हम लोग को बताने में शर्म आता है, इतना सैलरी हम लोग के मिलता है, इतने में क्या होगा? हम लोग के क्या बाल बच्चे नहीं हैं? हम लोग के बाल बच्चे के भरण पोषण कैसे होगा? उनके लिए भी तो सोचना चाहिए ना सरकार को, तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर दिव्यांग शिक्षक भी हैं, शिक्षिका हैं। मैडम, आप दिव्यांग हैं, दिव्यांगों को पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाने में जो कठिनाई होती है, लेकिन सरकार आप लोग की सुनती नहीं है, धरना पर बैठे हैं, आखिर क्या करिएगा? सर, करने के लिए तो अभी हम यही है कि अभी धरना स्थल पर ही बैठेंगे और उसके बाद विधानसभा का घेराव भी करेंगे। लेकिन मैं सरकार से कि लगता है कहीं मंशा ऐसी हो गई कि दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देना ही नहीं चाहती है, वो समाज का एक अंग है, ऐसा सरकार समझना ही नहीं चाहती है कि एक अंग ऐसा भी है जो दिव्यांग है और वो अपने कार्य को करने में असमर्थ है, उसको समर्थ करने के लिए हम विशेष शिक्षक उनके लिए कार्यरत हैं, तो उन विशेष शिक्षक के भी अधिकारों को भूल गई है और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को भी सरकार भूल गई है। मुझे लगता है कि संवेदनहीन सरकार हो गई है, उनको ये नहीं लगता है कि दिव्यांग बच्चे किस तरह पढ़ेंगे और ये विशेष शिक्षक इतने कम वेतन में कार्य कैसे करेंगे, जबकि यहाँ तक सभी शिक्षा मित्र को, आंगनबाड़ी को, आशाकर्ता को सबका वेतन जब बढ़ा दिए हैं, तो हम सरकार की दृष्टि में नहीं है क्या? हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, संवेदनशील बनना चाहिए, संवेदनहीन हो गई है सरकार, देखना नहीं चाहती हम लोग को। आप लोग धरना प्रदर्शन पर हैं, लेकिन के पाठक जो है प्रधान सचिव हैं, वो शिक्षक पर जल्द कार्रवाई कर देते हैं, ये डर नहीं है आप लोग? नहीं, वो तो डर तो है ही है, हम तो चाहते हैं कि उस डर को भगाएंगे तभी ना, जब वो सामने में आएंगे बात करेंगे हमसे। हम तो चाहते हैं कि यहाँ के पाठक आएं और हम लोगों से बात करें, बिना डर से ही हम बैठे हैं यहाँ पर। देखिए, ये जो
विकलांग जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि अब सरकार जिस तरीके से जो हम लोग काम करते हैं तो सरकार ये नहीं चाहती कि जो विकलांग बच्चे हैं वो पढ़ सक रहे, क्योंकि यदि पढ़ाने की इच्छा होगी तो इन लोगों की मांग पूरा करेगा। लेकिन जिस तरीके से जो प्रधान सचिव के पाठक हैं वो शिक्षकों पर जो कार्रवाई करती है, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि हम पर कार्रवाई हो, यहाँ पर के पाठक आए जो अपनी समस्याओं को हम लोग उनके पास रखेंगे। आलोक कुमार दासनी, पटना।